अविश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान देश से विश्वासघात के प्रस्ताव की संज्ञा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति। लोकसभा में इस वक्त भी माहौल गर्माया है और आज पूरे दिन लोकसभा में जिस तरीके का माहौल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा भाषण रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के एक नेता अधीर रंजन चौधरी का बार बार जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को दरकिनारे कर दिया। क्यों कर दिया? कलकत्ता से शायद कॉल आ गया होगा, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को चुप रहने के लिए बोला। ये बार बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बात कही गई, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी भी आज चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले, उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से बातें कही हैं, जो शब्द उन्होंने बोले हैं, उसे लेकर आपको बता दें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। कारण यही रहा है उनके शब्द, जिस तरीके से उनसे बोला जा रहा था, बीजेपी द्वारा बार बार माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द बोलना क्या अधीर रंजन चौधरी को शोभा देते हैं, इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही थी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के शब्द वही थे कि देश के प्रधानमंत्री 100 बार भी नरेंद्र मोदी ही बन जाए, लेकिन मणिपुर की घटना पर अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो इस पर वो चुप नहीं बैठेंगे। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भी शब्द बोले उसे लेकर अब लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए अब हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।